कौन से हो गए जो क्रिटिसाइज होते, ठीक है, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है, जो हमारे बॉडी, सॉरी, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है वो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते, जो डाइट के थ्रू मिलते हैं, और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होंगे जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। अरे सो देयर आर टू एसेंशियल फैटी एसिड्स, लिनोलेइक एंड लिनोलेइन, ठीक है, जो हमको जो भी ऑयल्स है, जो फैट्स है उनसे मिलता है। देयर स्ट्रक्चर्स आर डिपिक्टेड जो है टेबल में डिपिक्ट किया हुआ है। सो दे आर बोथ 18 कार्बन कंपाउंड विथ मोर देन वन डबल बॉन्ड, दैट इज लिनोलेइक एसिड N6 जिसको बोला जाता है, व्हाइल लिनोलेनिक एसिड इज N3, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें कार्बन एटम्स 18 जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, यानी चेन 18 की चेन जो है वो रहती है। सो द ह्यूमन सेल कैन नॉट प्लेस डबल बॉन्ड्स बिटवीन 9th कार्बन एंड मिथाइल इन हिज ओमेगा 3, दैट इज N3, एंड ओमेगा 6, दैट इज N6। फैटी एसिड्स नीड डिहाइड्रोजिनेटेड टू गिव आर्चिडोनिक एसिड, ठीक है, और आर्चिडोनिक एसिड भी उसको बोला जाता है। सो आर्चिडोनिक एसिड जो है वो वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो जब भी जो भी लिनोलिक एसिड होता है, ठीक है, वो जैसे जैसे लेंदन होते जाता है, ठीक है, लिनोलिक एसिड जैसे जैसे लेंदन होता जाता है, ठीक है, तो ये जो बन है, ठीक है, वो वहां पे डिहाइड्रोजिनेट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो आर्चिडोनिक जो एसिड है, ठीक है, वो वहां से प्रोड्यूस होता है, नहीं? तो यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि जो लिनोलिक एसिड है, ठीक है, सो वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो लिनोलिक एसिड है उसको N3 हम कहते हैं, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। सो बेसिकली दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैटी एसिड इन हार्ट पेशेंट, फॉर हार्ट पेशेंट, राइट, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल जो है फैटी एसिड होते हैं, राइट, इसके लिए, इसके वजह से हम जो है हार्ट पेशेंट को तो हम बटर भी तो नहीं दे सकते, राइट, तो ये पुफा और मूफा जो है जिसमें रिच होते हैं ऐसे ऑयल जो है मॉडरेट अमाउंट में हम डाइट में लेते हैं, राइट। तो ये जो हम बोल सकते EPA है या DHA है, ठीक है, डोकोजा हेक्सानोइक एसिड जो है, या फिर इकोजा पेंटानोइक एसिड जो है, ठीक है, तो ये जनरली जो भी लिनोलेइक एसिड है, ठीक है, उसमें से ही जो है तैयार होते हैं, राइट, तो ये जो भी इन्फेंट्स होते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। DHA आपको पता होगा कि फोर्टिफाइड वे में मिलता है, राइट। सो ये जो हम बोल सकते हैं कि DHA है EPA है, ठीक है, एक तो न्यूरल फंक्शन के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, उसके साथ में उनका जो मेन रोल होता है कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हैं, राइट, और ये जो भी DHA है या फिर EPA है, ठीक है, ये जो है फिश ऑयल में भी सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, राइट। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है, सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ आर वाइटल बॉडी स्ट्रक्चर्स, जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम में भी वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उसके साथ में जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, राइट, उसके साथ में जैसे इकोजेनॉइड्स जो है, ठीक है, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स नहीं कहेंगे, हार्मोन्स लाइक जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और वो वहां पे प्रोड्यूस करने के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ में ये जो हार्मोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको इकोजेनॉइड कहा जाता है, उनमें जनरली प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स एंड ल्यूकोट्रिएन्स, ठीक है, तो ये इंक्लूड होते हैं, ये जो कंपाउंड्स है, ठीक है, तो वो पोटेंट रेगुलेटर्स जो है वो अपने जो भी वाइटल बॉडी फंक्शंस है, ठीक है, उनके पोटेंट रेगुलेटर जो है वो कहा जाता है उनको, नहीं, जो भी ब्लड प्रेशर है या फिर चाइल्ड बर्थ है, ब्लड क्लॉटिंग है, इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये सारी जो फंक्शंस है इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। अरे उसके बाद में जो ट्रांस फैटी एसिड्स है, राइट, सो
जनरली और जो प्लांट है ठीक है, उसमें से और जो फैट्स एंड ऑयल्स जो है वो डिराइव होते हैं, जिसमें सिस फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, राइट। आपने देखा होगा सिस और ट्रांस फैटी एसिड, राइट। तो जो भी जो फैट्स एंड ऑयल्स है उसमें सिस फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, राइट। और उनके जो है उसके साथ में सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स जो है वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो भी बेसिक केमिकल फॉर्मूला होता है ठीक है, तो हर एक फैट का या फिर ऑयल का जो है केमिकल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है, राइट। सो जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं ठीक है, सो वो कब प्रोड्यूस होते हैं, जब भी जो भी वेजिटेबल ऑयल है ठीक है, सो वो जब हाइड्रोजिनेट किए जाते हैं ठीक है, कि उसमें से फिर जैसे मार्गारिन्स है, मार्जारिन्स है, राइट, या फिर जैसे वनस्पति घी वगैरह है ठीक है, या फिर जैसे हाँ वनस्पति डालडा मैम, उसमें से हाँ डालडा वगैरह, उसमें से जब ये शॉर्टनिंग्स वगैरह बनाई जाती है राइट, तो फिर वहां पे जनरली ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स है ठीक है वो प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि ट्रांस फैट्स जो है वो नहीं कंज्यूम करना चाहिए, राइट। तो जो भी बेक प्रोडक्ट्स वगैरह है उसमें ये ट्रांस फैटी एसिड जो है, जैसे वनस्पति घी वगैरह है ठीक है, उसका ज्यादा जो है यूज जो है ऐसे जो फूड्स होते हैं स्नैक्स वगैरह उसको फ्राई करने में यूज होता है, राइट। तो ये जो भी ट्रांस फैटी एसिड है ठीक है वो कुछ अमाउंट में मिल्क में भी प्रेजेंट रहते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं ठीक है, तो वो जो है बैक्टीरियल कन्वर्जन के कारण जो है वो सिस जो भी आइसोमर्स होते हैं वो ट्रांस आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू बैक्टीरियल कन्वर्जन के कारण, राइट। जैसे हम देखते हैं कि जो काऊ का स्टमक होता है राइट, उसमें जो है ये कन्वर्जन जनरली होता है, राइट। जो भी मेटाबॉलिकली ट्रांस फैटी एसिड्स है ठीक है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनकी वजह से क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो रेज होते जाता है, इसलिए हार्ट पेशेंट को जो है वो जो भी ट्रांस फैटी एसिड्स है ठीक है, या फिर जो एसएफएस वगैरह है राइट, तो वो सजेस्ट नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में जो फैट है उसका डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है और कौन से एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो डाइजेशन ऑफ फैट्स, सो दी एंजाइम इन ह्यूमन गट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन इज लाइपेज, राइट। सो लाइपेज जो है फैट के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइपेज इज सीक्रेटेड बाय बोथ स्टमक एंड पैनक्रियाज, राइट। सो जो लाइपेज है ठीक है वो स्टमक के थ्रू और पैनक्रियास के थ्रू सिक्रेट होता है ठीक है। हमारे स्टमक में अगर हम देखें तो जो डाइट्री लिपिड्स होते हैं ठीक है, सो वो जेल फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि लिक्विडाइज होते हैं, अरे वहाँ पे जो हीट क्रिएट होती है ठीक है ड्यू टू गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या वहाँ पे जो भी एसिड रहते हैं उसके कारण जो भी हीट प्रोड्यूस होती है ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है लिक्विडाइज हो जाते हैं, राइट। जो भी डाइटरी फाइबर सॉरी डाइटरी लिपिड्स होते हैं वो, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ठीक है वो 30% तक ही ट्राइग्लिसराइड जो है उसको हाइड्रोलाइज कर सकता है ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें जो भी लिपोलिटिक एक्टिविटी है स्टमक की ठीक है, तो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जो लाइपेज है वो सिर्फ 30% ही ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाइड्रोलाइज कर पाता है ठीक है, जिसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हो सकते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स हो सकते हैं, राइट। तो हमें अगर हम मिल्क की बात करें राइट, सो जो मिल्क फैट है ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और मीडियम चेन फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, राइट। सो वो वहाँ पे जो है हाइड्रोलाइज होते हुए हाइड्रोलाइज वहाँ पे होते हैं राइट स्टमक में। सो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है दे कैन गेट एब्जॉर्ब थ्रू दी स्टमक जो भी स्टमक वॉल होता है और इन टू पोर्टल वेन। सो मोस्टली डाइट्स हैव फैट्स विच प्रोवाइड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स
लॉन्ग चेन सॉल्टी एसिड्स एंटायरली डिपेंड ऑन इमल्सिफिकेशन बाय बाइल इन गट, राइट? सो द पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल आर सिक्रेटेड टुगेदर थ्रू कॉमन बाइल डक्ट इन द डियोडेनम. बाइल इमल्सिफाइज फैट इनटू हाइड्रोफिलिक मिसलेस सॉरी मिसल्स मेकिंग लाइपेज मोर इफेकेशियस टू एक्ट. पैनक्रियाटिक लाइपेज इज स्पेसिफिक टू हाइड्रोलाइज प्राइमरी ईस्टर लिंकेजेस एट कार्बन पोजिशन 1 and 3 ऑफ ग्लिसरॉल इन अ ट्राइग्लिसराइड. आफ्टर दिस एक्शन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फॉर एब्जॉर्प्शन इन जिजनम. द प्रोडक्ट आर ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स मोनो एसाइल ग्लिसरॉल एंड सॉरी हाँ क्लियासाइल ग्लिसरॉल. Phospholipases act on phospholipids giving glycerol, fatty acids, lysolecithin, etc. While cholesterol esterase acts on esterified cholesterol to give free cholesterol and fatty acids. So ये जो digestion है fats का, ठीक है, ये lipase enzyme के through जो है वो हमारी human gut में जो है होता है, right? तो जो digestion के लिए responsible होता है वो एंजाइम जो है वो लाइपेज होता है, राइट? सो ये जो लाइपेज है वो स्टमक के थ्रू और पैनक्रियास के थ्रू सिक्रेट होता है, राइट? सो हमारे अगर स्टमक की बात करें, ठीक है, तो जो भी डाइटरी लिपिड्स है, ठीक है, वो जेल फॉर्म में वहां पे एंटर करते हैं और फिर जो है जहाँ जैसे जैसे ही हमारे बॉडी में जितनी हीट होती है, राइट, तो उसके थ्रू जो है ये लिपिड जो है वो लिक्विडिफाई होते हैं, राइट, थ्रू दी हीट और गैस्ट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो भी एसिडिक वहां पे जो सॉल्यूशन बन जाता है, राइट, उसके थ्रू ये लिपिड जो है वो लिक्विडिफाई होते हैं, राइट. ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है, वो सिर्फ 30% तक ट्राइग्लिसराइड जो है उसको हाइड्रोलाइज कर सकता है, ठीक है. सो उसके बाद में जो मिल्क फैट है, ठीक है, तो वो भी हम देखते, उसमें भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड मीडियम चेन फैटी एसिड्स हो रहते हैं जो भी हाइड्रोलाइज होते हैं, राइट. ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है, ठीक है, वो स्टमक के थ्रू जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं पोर्टल वेन में. सो ये जो हम बोल सकते हैं कि जो भी डाइट जो है, ठीक है, उसमें जो भी फैट्स होगा, ठीक है, जिसके थ्रू लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हमको मिलता है, ठीक है, तो ये जो भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है या फिर सॉल्टी एसिड्स है, ठीक है, ये जनरली जो भी इमल्सिफिकेशन होता है बाइल के थ्रू हमारे गट में, ठीक है, वो उसके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, राइट. सो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके साथ में जो बाइल है, ठीक है, सो ये जो भी बाइल डक्ट है हमारे डियोडेनम के थ्रू में, ठीक है, डियोडेनम में जनरली वो सिक्रीट होता है. बाइल डक्ट के थ्रू डियोडेनम में सिक्रीट होता है जो बाइल है, ठीक है, वो फिर फैट को इमल्सिफाई करता है, ठीक है, जो भी छोटे छोटे ऐसे मीजल्स बनते हैं उसके जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, राइट, यानी जैसे हाइड्रोफिलिक, जैसे हम देखते हैं कि जो फैट है उसके मीजल्स किस तरह से बनते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनते जाते हैं, जैसे दूसरे कंपोनेंट जो है वो वहां पे अटैच हो जाते हैं, राइट, और उनके मीजल्स बनते जाते हैं, स्मॉल स्मॉल ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं, राइट, क्योंकि फैट जो है वो वाटर में तो सोल्यूबल नहीं होगा, राइट. सो इसकी वजह से सो ये जो एक्शन है, सॉरी, ये बाइल जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है किसमें, हाइड्रोफिलिक मिसल्स में, ताकि जो भी हम बोल सकते हैं कि लाइपेज है, ठीक है, वो वहां पे इफिशियंट वर्क कर सके और वहां पे जो उसको जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके और फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन जो है अदर जो भी स्टोरेज है उसमें वहां पे हो जाए, यानी माइक्रोविलाय विलाय के थ्रू जो है वो वहां पे हो जाए, राइट. सो जो भी हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्शन है जब परफॉर्म होती है जो भी पैनक्रियाटिक लाइपेज है उसके थ्रू जो भी प्राइमरी ईस्टर लिंकेजेस है, ठीक है, जहां पे जो कार्बन पोजीशन होती है, ठीक है, कार्बन जो है 1 पोजीशन पे होता है और ग्लिसरॉल जो है 3rd पोजीशन पे होता है, राइट. तो ये जो हम बोल सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स है, राइट, तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते जाते हैं, ठीक है,
ये हाइड्रोलाइज होने के बाद में जो हम बोल सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का मिक्सचर जो है हाइड्रोलाइज, जैसे हाइड्रोलाइज हो गए उसका एक मिक्सचर बनता है वहां पे, राइट। और ये फिर जो है जियोजेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, राइट। उसमें फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। सो जो भी प्रोडक्ट्स है जैसे ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल है, या फिर थ्रीएसाइल ग्लिसरॉल है, या फिर फॉस्फोलाइपेसिस है, ठीक है। सो ये फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसमें से फिर जो है ग्लिसरॉल जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो अलग यानी बाहर निकलता है, राइट। जो भी फैटी एसिड्स है वो वहां पे क्या होंगे, राइट, डिवाइड होंगे, है कि नहीं, अलग अलग होंगे। जो भी जिनके मिसल्स बने एक यानी जो जिनके मिसल्स बन चुके हैं, राइट, वो क्या होंगे, अब वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर में वहां पे जो है होते जाएंगे, राइट, कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये जो फैटी एसिड्स है, ठीक है, सॉरी, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है उसमें से फिर जो भी ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है, ठीक है, या फिर लाइसोलेसिथिन वगैरह है, ठीक है, तो ये वहां पे जो है प्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है, यानी उसके मॉलिक्यूल जो है वो तैयार होंगे। और जहाँ पे उसके साथ में जो भी कोलेस्ट्रॉल इस्टरेजेस है, ठीक है, वो भी जो भी इस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल होगा हमारे बॉडी में, ठीक है, उसमें जो है उसके ऊपर जो है एक्ट करेगा, ठीक है। और उस अगर जब उस वो जैसे जो भी कोलेस्ट्रॉल इस्टरेज है और जो भी इस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल है, जब वो एक साथ आएंगे, एक दूसरे के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है जो फर्दर रिएक्शन प्रोसेस होगी उसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहां से फ्री होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल है वो वहां से निकलेगा और जो अदर फैटी एसिड्स हैं वो अलग अलग होंगे, राइट। जो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से जो सिंपल वे में जो फैटी एसिड्स अलग निकल रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल जो है वो अलग हो रहा है, राइट। ये फर्दर फिर क्या होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो फिर जहाँ पे उनकी नीड है वो वहां पे एब्जॉर्ब होने लगते हैं, नहीं। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स दिया हुआ है। जो जब भी डाइजेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओनली 25 ट्राइग्लिसराइड जो है, ठीक है, वो ब्रेक होते हैं, राइट, कंप्लीटली ब्रेक होते हैं जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल या फिर फैटी एसिड जो है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स में, यानी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो सिंपल स्ट्रक्चर में वहां पे ब्रेक डाउन होने लगते हैं, राइट। सो ये जो मेजर डाइजेशन प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो क्या होता है, टू मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, राइट। सो ये क्यों होता है, ये लाइपेज जो है उसके एक्टिविटी के थ्रू होता है, क्योंकि वो हाइड्रोलाइज करता है उनको, ठीक है। जो भी इस्टर लिंकेज वहां पे प्रेजेंट रहेगा एट द पोजिशन ऑफ 1 एंड 3, राइट, तो वो उनको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है, वो लिंकेज बेसिकली वो तोड़ देगा, राइट। और तोड़ने के बाद क्या होगा, वो जो कंपाउंड होंगे, ठीक है, तो वो वहां पे ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, राइट। ये जो मोनो असाइल ग्लिसरॉल है या फिर फैटी एसिड है और उसके साथ एल मोनो असाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो भी ऑयली फेज होगा, ठीक है, उससे रिमूव होने लगेंगे, राइट। ऑयली फेज होगा उससे क्या होगे, वो रिमूव होने लगेंगे, यानी ऑयली फेज को छोड़ने लगेंगे, ठीक है। और उसके साथ में आगे जाके क्या होगा, वो मिजल्स जो है उसमें डिफ्यूज होने लगेंगे, यानी एक स्ट्रक्चर वहां पे बनने लगेगा जिसमें जो भी मिजल्स है उसमें क्या क्या रहेंगे, बाइल सॉल्ट्स रहेंगे, ठीक है, लेसिथिन जो है वो रहेगा, कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ठीक है। और फिर ये एक साथ आके, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो लिपिड्स है वो वाटर में सोलुबल नहीं हो पाते, राइट, तो और हमको पता है जो भी रिएक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्वियस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है, जहाँ पे वाटर कंटेंट हाई होता है, राइट, तो उसको उसमें एब्जॉर्ब होने के लिए, राइट, उसमें फर्दर जो प्रोसेस है वो होने के लिए इसके मिजर्स तैयार होते हैं, राइट, जो भी कंपाउंड्स है, ठीक है, वो एक साथ आते हैं, ठीक है, और वो फिर वहां पे जो है ऐसे मिजर्स जो है वो एक्वियस फेज में है जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो लेसिथिन है, सॉल्ट है, ठीक है, जो मिजल्स जो है में पाए जाते हैं, और एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है, ठीक है। तो ये जो मिजल्स है
जो एक्वियस सॉल्यूशन में जो है वो एंटर होते हैं, एक्वियस फेज में एंटर होते हैं, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइनल ड्यूमेन में, ठीक है, जो भी हमारा ब्रश बॉर्डर रहता है, ठीक है, जो भी म्यूकसल सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे और जो फ्री फैटी एसिड्स है, ठीक है, ठीक है, तो वो फिर वहां पे यूज होंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, जो भी फैटी एसिड्स होंगे उसको एक्टिवेट करेंगे, और जो भी ग्लिसरॉल होगा, ठीक है, जो भी म्यूकसल सेल हमने बोला था कि जो भी एक्वियस फेज है उसमें जब एंटर होते हैं ये म्यूकसल जो है, ठीक है, ये फिर जो है कहाँ पे ट्रांसमिट होने लगते हैं, जो भी ब्रश बॉर्डर होगा म्यूकसल सेल का वहां पे, सो तो वो क्या करेंगे, फिर जो भी फ्री फैटी एसिड्स है उसमें पाए जाने वाले हैं वो फिर यूटिलाइज होंगे बाय द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड जो है एक्टिवेट होने के बाद में जो भी फ्री फैटी एसिड्स है वो वहां पे यूटिलाइज होने लगेंगे, ठीक है, और जो भी ग्लिसरॉल है, जो भी म्यूकसल सेल के अंदर जो भी ग्लिसरॉल है, ठीक है, वो क्या होगा, फिर से रीसिंथेसाइज होने लगेगा, ठीक है, क्यों, किस लिए रीसिंथेसाइज होगा, ताकि उसमें से जो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो तैयार हो पाए, राइट, यानी जो यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है वो वहां पे रीसिंथेसाइज होता है म्यूकसल सेल में, राइट, तो ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है या फिर फॉस्फोलिपिड्स है या फिर कोलेस्ट्रॉल इस्टर्स है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट में जो भी प्रोटीन है, ठीक है, जो जनरली काइलोमाइक्रोन में रहता है, राइट, तो ये जनरली जो भी म्यूकोसल सेल्स है, राइट, उसमें वहां पे रीसिंथेसाइज होंगे ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, राइट, सो मैम मतलब लाइपोप्रोटीन ही फॉर्म हो गया ना। हाँ हाँ राइट राइट हाँ। जो जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग स्ट्रक्चर में जो है लिपिड्स जो है वो यूजफुल रहते हैं, जैसे मैं हमेशा सेल मेम्ब्रेन की बात करती हूँ, वहां पे वो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए जैसे ये लिपिड्स जो है वो डाइजेस्ट हो गए, राइट, और फिर एक्वियस सॉल्यूशन में उतर गए, तो उनके एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो अरे उनके लिए सुटेबल नहीं होता, इसलिए जो अदर कंपोनेंट जो है वो उनके साथ अटैच होते हैं, राइट, और फिर फर्दर प्रोसेस के लिए यानी फर्दर प्रोसेसिंग यानी वो फिर से रीसिंथेसाइज होते हैं, राइट, जो जो भी डिराइव सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो जो है ब्रेक डाउन होगा, उसमें से एक जो है जैसे लिपिड है वो निकलेगा, वो म्यूकोसल सेल में वहां पे जो है वहां पे एब्जॉर्ब होगा, उसमें फिर से रीसिंथेसाइज होगा, और फिर वो जो मॉलिक्यूल होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जहाँ पे उसकी नीड है, जैसे स्ट्रक्चर बनाना हो ऊपर का, राइट, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो वहां पे वो जाके जो है अपना काम करेगा, है कि नहीं, इस तरह से वो प्रेजेंट रहते हैं, और जिनकी नीड हो वो होती है, और जो लिपिड्स जो हम बोल सकते हैं कि जिनकी नीड खत्म हो जाती है वो फिर जो लीवर में जाके वहां लीवर सॉरी लीवर में नहीं एडिपोज टिश्यू में फैट के फॉर्म में जो है वो वहां पे स्टोर हो जाते हैं, और जैसे जैसे फिर नीड उसकी लगती है तो फिर से क्या होगा, वो फैट मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, जो लिपिड्स है फिर से एंटर होंगे वो रिएक्शन प्रोसेस में, फिर से वो एक्वियस फेज में जो है यानी सॉरी वो सेल्स में है वो जो है वो रीसिंथेसाइज होंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि फूड के थ्रू तो आ गया है, ठीक है, और सिर्फ वो सेल्स में स्टोर हो चुका है, ठीक है, एडिपोज सेल्स में वो स्टोर हो चुका है, फिर से वो जैसे जिसकी यूज लगेगी, जैसे जैसे उसकी यूज लगेगी, राइट, फिर से वो रीसिंथेसाइज होगा, यानी तैयार होगा, एक्टिवेट होगा वो मॉलिक्यूल, राइट, और फिर वो जो भी ऑर्गन है जहाँ पे उसकी नीड है वहां पे जाके वो अपना काम करेगा। इस तरह से ब्लड लेवल जो है वो मेंटेन करना हो, जहाँ पे जैसे एलडीएल है, एचडीएल है, ठीक है, एचडीएल अगर कम रहा तो एलडीएल बढ़ जाता है, राइट, तो इस तरह से वो वहां पे हमेशा एचडीएल का लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, एलडीएल जो है हम हमेशा बैड कोलेस्ट्रॉल हम मानते उसको, ठीक है, पर वो बैड नहीं होता, ठीक है, कुछ एक्सटेंट के लिए वो बैड हो सकता है, जैसे हार्ट पेशेंट के लिए, ठीक है, अगर सीरम लेवल्स हाई हो गई, पर उसका जो है अदर इम्पोर्टेंस भी है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका मेन कंपोनेंट होता है एलडीएल, एलडीएल हो, जो भी फॉस्फोलिपिड्स हो या फिर जो भी अदर फैटी एसिड्स है, ठीक है, वो, ठीक है, तो वो मेन मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, तो हर एक का जो है इम्पोर्टेंस वहां पे होता ही है, राइट, सो यहाँ पे जो लिपोप्रोटीन्स है वो वहां पे जो है जैसे
जो भी लिपिड है ठीक है, वो ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से वहां पे रिसिंथेसाइज होते लगते हैं राइट। उसके बाद में यहाँ पे हाँ, जो भी पैनक्रियाटिक जूस है ठीक है, तो वो क्या होगा, जो बाइल है ठीक है, वो साथ में जो है सिक्रीट होगा ठीक है। और जो सिक्रीट होने के बाद में जो एक कॉमन बाइल डक्ट जो है ठीक है हमारे ड्यूओडेनम में, वहां पे वो एंटर करेगा ठीक है। बाइल क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा ठीक है। उस जो भी उसमें से फिर हाइड्रोफिलिक जो भी मिसल्स है वो वहां पे तैयार होंगे ठीक है। और फिर जहाँ पे लाइपेज है ठीक है, तो वो वहां पे फिर उसके ऊपर एक्ट करेगा ठीक है। और जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ठीक है, वो क्या करेगा, फिर जो भी प्राइमरी ईस्टर लिंकेजेस है उसको हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करेगा ठीक है। और पर्टिकुलरली जो पोजीशन 1 और 3 पे होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करने की हाइड्रोलाइज करता है ठीक है। जो भी ग्लिसरॉल के 1, 2, 3 पोजीशन पे होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में ठीक है। ये जो एक्शन होती है जहाँ पे मिसल्स बनना हो ठीक है, फिर जो भी लिंकेजेस है उसको हाइड्रोलाइज करना हो ठीक है, तो ये जो एक्शन होती है ठीक है, इसमें से एक जो प्रोडक्ट है उसका मिक्सचर वहां पे बनने लगता है। और ये जो भी मिक्सचर है ठीक है, ये फिर फर्दर जो है जिजेनम में जो है एंटर होता है ठीक। और उसमें जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, ग्लिसरॉल रहेगा ठीक है, फैटी एसिड्स रहेंगे, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल रहेगा, क्लियासेल ग्लिसरॉल रहेगा, फॉस्फोलाइपिड्स रहेंगे ठीक है, तो सॉरी ग्लिसरॉल रहेगा ठीक है। तो इतने सारे कंपोनेंट्स में रहते हैं उस प्रोडक्ट में, उस मिक्सचर में राइट। उसके बाद में क्या होता है, जो भी फॉस्फोलाइपिड्स है, जो भी एंजाइम्स होते हैं राइट, जो जनरली किसमें एक्ट करते हैं, जो भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं पर्टिकुलरली राइट, हमको पता है कि हर एक कंपोनेंट को जो है हाइड्रोलाइज करने में या फिर उसका वर्किंग करने के लिए एक एंजाइम होता ही है ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होता है, प्रोटीन के लिए अलग होता है, और अदर जो है कंपोनेंट्स है उनके लिए भी अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह फॉस्फोलिपिड जो है ठीक है, उनको जो है उनका वर्क अच्छे से करने के लिए फॉस्फोलाइपेसिस जो है ठीक है, वो एंजाइम वहां पे होते हैं। जैसे फैट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए लाइपेसिस होते हैं राइट, तो उसी तरह जो फॉस्फोलिपिड्स है उनका एब्जॉर्प्शन हम अगर हम बोले ठीक है, तो वो करने के लिए फॉस्फोलाइपेसिस जो है वो वहां पे होते हैं राइट। तो ये फॉस्फोलाइपेसिस जो है वो फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं राइट, और फिर उसमें से जो है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स ठीक है, लाइसोलेसिथिन वगैरह जो है ये कंपोनेंट जो है वो फॉर्म होते हैं राइट। उसके साथ में जो जैसे जो भी कोलेस्ट्रॉल इस्टर्स है ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल इस्टर ये जो एंजाइम है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, जो भी कोलेस्ट्रॉल इस्टर है या फिर इस्टरीफाइड जो कोलेस्ट्रॉल हम उसको बोलते हैं उसके ऊपर एक्ट करेगा ठीक है। और फिर उसके ऊपर ये जो एंजाइम जब एक्ट करेगा ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, जो भी लिंकेज है उसको ब्रेक डाउन करता है, और उसमें से फिर जो भी स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होगा उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल जो है उसको फ्री करेगा, उसको फ्री कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ठीक है, वो ब्रेक डाउन करेगा और फैटी एसिड जो है उसको अलग कर देगा राइट। और फिर फर्दर जो है इसी फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल या फिर फैटी एसिड के फॉर्म में जो है फर्दर उनका एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है ठीक, से उनके ट्रांस या फिर सिस आइसोमर उसमें भी हो सकते हैं राइट, जो मिरर इमेजेस जनरली उसकी कही जाती है। तो ये आफ्टर डाइजेशन अगर हम देखें तो ओनली 25 ट्राइग्लिसराइड्स आर ब्रोकन कम्प्लीटली टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स राइट। सो जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो है ठीक है, फैटी एसिड हमने एक टर्म कह दी, पर फैटी एसिड में बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं राइट। सो उसमें जो है वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन होते हैं। जो मेजर डाइजेशन होता है ठीक है, तो वो है जिसका होता है वो है टू मोनो असाइल ग्लिसरॉल। सो ये जो हम बोल सकते हैं कि जो डाइजेशन होता है ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, लाइपेज की वजह से। तो लाइपेज जनरली जो भी इस्टर लिंकेजेस है ठीक है उसको हाइड्रोलाइज करता है ठीक है। जो भी ग्लिसरॉल में 1 और 2 3 के पोजिशन में जो भी लिंकेजेस है उसको हाइड्रोलाइज करता है राइट। जो टू मोनो असाइल ग्लिसरॉल है ठीक है, उसके साथ में जो फैटी एसिड्स है 1 मोनोअसाइल ग्लिसरॉल है ठीक है,
ये क्या करते हैं, जो ऑयली फेज है ठीक है उसको छोड़ जाते हैं ठीक है, और जो मीजल्स जो है उनके थ्रू वो मीजल्स बनने लगते हैं ठीक है, जहां पे बाइल सॉल्ट्स रहते हैं, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल जो है ठीक है वो एक्वियस फेज में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे इंटेस्टिनल ल्यूमेन में ठीक है, जहाँ पे यानी किस पोजीशन में, जो म्यूकोसल सेल होता है उसमें जो ब्रश बॉर्डर लाइनिंग होती है ठीक है, वहां पे ये जो फ्री फैटी एसिड जहाँ पे प्रोड्यूस हो चुके हैं ठीक है डाइजेशन होने के बाद में ठीक है, ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल जो तैयार होते हैं उसमें से जो भी फ्री फैटी एसिड जो निकलेंगे ठीक है, वो फिर फर्दर क्या होगा ठीक है, जब भी फैटी एसिड जो है ठीक है यूटिलाइज होते हैं, यूज होते हैं, पर उसका एक्टिवेशन होता है ठीक है, और वो जब एक्टिवेशन होता है ठीक है तो वो फैटी एसिड एंड जो ग्लिसरॉल है ठीक है जो म्यूकोसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है ठीक है, वो फिर रीसिंथेसाइज होगी जहां पे जिसकी नीड लगेगी ठीक है उसके लिए, यानी हमारी बॉडी जो है सिग्नल्स भेजती है राइट, यहाँ पे ये कमी आ गई है ठीक है ये सिंथेसाइज करो राइट, इस तरह से वो जो मॉलिक्यूल्स है वहां पे पहले ही प्रेजेंट रहते हैं पर उनको एक्टिवेट करने के लिए जो है फर्दर प्रोसेस होती है, वहां पे स्टोर हो गया नहीं तो यानी एकदम से लाइन में जो है हर एक मॉलिक्यूल जो है फटाफट थोड़ी ना जो है यूज होगा नहीं, हमारी बॉडी की भी कोई लिमिट होती है कि इस एक कुछ अमाउंट में वो सिंथेसाइज करेगा राइट, कुछ अमाउंट में मीन्स जैसे बॉडी की नीड होगी जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू राइट, तो हमारी बॉडी की जैसे नीड होगी उस तरह से वो सिंथेसाइज करेगा, बाकी का जो है वो स्टोर रह जाएगा, जैसे हम लीवर में जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है राइट, जैसे हमारी बॉडी जैसे ही डिहाइड्रेट होने लगती है जो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स है जो ग्लाइकोजन है वो वहां पे निकल आता है ठीक है, और हमारी जो बॉडी की नीड है वो वहां पे कुछ समय के लिए वो पूरी हो जाती है, इसी तरह बाकी कंपोनेंट्स का भी वही काम है ठीक है, वहां पे स्टोर होना ठीक है, और जैसे फिर नीड लगेगी उस फिर से वो जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको एक्टिवेट करना, उसको रीसिंथेसाइज करना यानी उसको तैयार करना वहां पे जाने के लिए, है कि नहीं, हाँ वहां पे किसकी जरूरत है। हाँ सर झाला झाला ठीक नहीं, सेकंड ईयर आणि थर्ड ईयर सगळेच स्टूडेंट आहेत सर या करता. है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप स्टॉप कर रही हूँ ठीक है, अभी फाइनल ईयर का ये है ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे।